You're watching uh, NDTV. Now the Prime Minister stepping up the political heat in Parliament, targeting his rivals, also singling out the MP from West Bengal. Remember, he was in West Bengal yesterday as well, the Prime Minister, targeting Mamta Banerjee. Joining me is uh, Dilip Ghosh, who is the senior BJP leader from uh, West Bengal. He's also the president of uh, the state BJP unit. Uh, Dilip ji, thank you very much. You're NDTV. Tell me, Dilip ji, ki, uh, प्रधानमंत्री ने आज पार्लियामेंट में कहा कि आंदोलन जीवी हैं आजकल कुछ लोग ऐसे हैं जिनको आंदोलन जीवी कहा जा सकता है जो हर आंदोलन में आ जाते हैं लेकिन ये बताइए कि बीजेपी तो आंदोलन करती है आप हमेशा आंदोलन जैसे वेस्ट बंगाल में तो आप हमेशा आंदोलन मोड में रहते हैं तो वो भी आप भी आंदोलन आप आंदोलन जीवी नहीं है लोग कहा बंगाल में जो भी पार्टी है सब आंदोलन करते हैं विरोध यहाँ से शुरू होती है यहाँ की पॉलिटिकल कल्चर ही ऐसा है लोग आपको रोड में देखना चाहते हैं और ये कम्युनिस्टों की द्वारा शुरू हुआ है लेकिन मा, माननीय प्रधानमंत्री जिन लोगों के बारे में बोला है हाँ। हम लोग कई बार देखते हैं तो सोशल एक्टिविस्ट आंदोलन करते वही लोग लीडरशिप में किसान आंदोलन करते वही लोग लीडरशिप में कहीं डैम बंद करना है तो वही लोग आंदोलन में जंगल सतर्ग रह वही लोग लीडरशिप में है तो कुछ लोग ऐसे हैं जो, है? जो प्रोफेशनल रिवोल्यूशनरी होते हैं नहीं नहीं मैं कह रहा हूं कि अगर कोई लोग हैं जिनको जो भी पब्लिक लोगों का मूवमेंट है जो भी कोई पब्लिक एक्टिविज्म मूवमेंट में उसको समर्थन करना चाहते हैं तो उसमें उसमें क्या आपत्ति है किसी को ना आंदोलन तो अच्छी बात है होना चाहिए समाज में परिवर्तन होता है लेकिन केवल बीजेपी सरकार की विरोध करने के लिए किसी भी जगह झंडा उठा लेना और आवाज उठाना तभी संदेह होता है कि इसके मकसद क्या है सच में कोई समाधान चाहते हैं कि नया समस्या निर्माण करते हैं तो आज तो लोग इसका... एक नया समस्या का समाधान के लिए और मजबूर हो रहे हैं नहीं नहीं बट दिलीप जी ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है कि जब आप लोग आंदोलन करते हैं तो वो सही है कोई और करता है तो वो गलत है नहीं नहीं हमारे हमारे एक पार्टी है हमारी एक विचारधारा है हमारी एक कार्य पद्धति है उसी आधार पर हम सब बातों पर अपना विचार रखते हैं और आंदोलन करते अच्छा। हैं हर किसी में जाके कूद जाते हैं चाहे ना चाहे बिन बुलाए मेहमान जैसा सब जगह कूद करके फोटो खींचना और अनरेस्ट करना सरकार को समाज को इसको आंदोलन नहीं बढ़ जाता ये एनआर की है आप कह रहे हैं ये एनआर की है लेकिन ममता बनर्जी तृणमूल का कहना है कि बीजेपी के सपोर्टर्स जब आते हैं और एक सरकारी फंक्शन पे जय श्री राम के स्लोगन लगाते हैं वो भी एक किस्म का एनार्की है और वो हो रहा है प्रधानमंत्री उसको सामने उनके क्या? हो रहा है वो देख रहे हैं लेकिन कुछ बोल नहीं रहे रोक नहीं रहे इस बात को देखिए देखिए देश भर में सब जगह जय श्री राम की नारा लगता है देश में कोई पाबंदी नहीं है जय राम के बारे में इसलिए ममता बनर्जी को पसंद हो ना हो तो क्या करें लोगों का अपना उद्गार है खुशी से लोग बोलते हैं आज तो गांव गांव तक तो फैल गया ममता बनर्जी विरोध करने का तो कारण हमारी स्वतंत्रता संग्राम में देखे थे बंदा मातरम बोलने से लोगों को जेल भेजा जाता था डंडा चलाया जाता था ने, आज ने, बंगाल में जय श्री राम बोलने से उनको जेल भेजा जाता है डंडा चलाया जाता है ये कौन सा तरीका है करने का कारण भी क्या है नहीं नहीं गुस्से होने का कारण भी कारण क्या है दिलीप जी दिलीप जी ये कोई स्वतंत्रता संग्राम में नहीं नारे लगाए जा रहे थे ये एक सरकारी गवर्नमेंट फंक्शन में नारे लगाए जा रहे थे तो कल तो आप बोलेंगे भारत माता की जय बोलना मना है बंदे बोलना आप मना है मेरा सवाल का जवाब दे रहे ना कोई धर्म है ना कोई, कोई राजनीति है एक सरकारी में, में इस किस्म का स्लोगन आ... रेज करना ठीक है <coughs> उचित है ना नहीं कल भारत माता की जय बोलेंगे सरकारी इसमें तो सीपीएम बोलेगा ये नहीं मानते हम तो इनको जिंदाबाद बोलते हैं तो कहाँ बोलेंगे फिर हम किसका अधिकार है हमको बंद करने के लिए लोग स्वाभाविक रूप से बोल रहे हैं और खाली संसदीय फंक्शन नहीं है अब रोड में ममता बनर्जी को स्वागत करने के लिए लोग खड़े हैं जय श्री श्रीराम बोलकर रोके बंगाल छोड़ के भाग जाएगी अब उनको तो, तय करने दीजिए क्या करना है तो बेसिकली आप इस पूरे चुनाव को एक धार्मिक दृष्टि का वो दे रहे हैं काफी टाइम से आप इसको ऐसा कर रहे हैं ये आपकी नजरिया है और अब आप इन बेसिकली इसको आप एक हिंदू मुस्लिम इलेक्शन के तौर पे आप बना रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की इसकी कोई जरूरत नहीं है पूरा देश हमारे साथ है सबका साथ सबका विकास है राष्ट्रीय स्तर के और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता हमारे साथ हैं अच्छा। जिनको आज लेकर हम गर्व कर सकते हैं जिनके पास नहीं है वो चिंता करते हैं लेकिन हम हमारे विचारधारा हमारे कार्य पद्धति हमारी विकास की उपलब्धि को लेकर समाज के सामने जाएंगे जिस प्रकार से अलग अलग प्रदेशों में काम करके हमने किया समाज देखते हैं दिलीप जी आप विकास की बात करते हैं लेकिन अगर आप देखिए आपके जो सारे आपके जो खुद के जो स्लोगन लगाए जाते हैं नारे लगाए जाते हैं आपके जो पूरा रैली है आपका पूरा फोकस है वो यही तो है राम मंदिर हिंदू पूजा ये सब दुर्गा पूजा नहीं नहीं पूजा का बात हम नहीं करते हैं यही तो आप उल्टा तरफ देखिए आप यही तो इश्यूज रेज कर रहे हैं दुर्गा पूजा का विसर्जन बंद कर देंगे बंगाल में और हमारी हम दोषी हो गए हैं उसके लिए अब सरस्वती पूजा स्कूल में बंद कर देंगे सैकड़ों सालों से हमारी परंपरा है हम दोषी हो गए हैं हम कहा हैं उसमें करते रहे आप ममता बनर्जी कर रही हैं हमको हाई कोर्ट में जाना पड़ता है दुर्गा पूजा की विसर्जन की अनुमति के लिए और कोर्ट क्या पूछती है कि मोहर्रम दुर्गा पूजा में एक दिन हो गया तो हमने दुर्गा पूजा बंद कर दिया और मोहर्रम और छब्बीस जनवरी एक दिन हो जाएगा तो आप परेड बंद कर देंगे ये कोर्ट की भरसन है मेरा नहीं है जी बट दिलीप जी आप क्या बीजेपी को एक धार्मिक पार्टी हो गई है क्या कि अगर ये सब हो रहा है तो एज ए पोलिटिकल पार्टी है क्यों, क्यों दखल हम बीजेपी जनसंघ से आया है और बीजेपी हुई है उस समय बीजेपी जो था आज भी है संविधान के आधार पर राजनीति करते हैं आगे भी करेंगे अच्छा बट ये बताइए कि जहां तक आपका इशू है डेरेक ओ ब्रायन से बात हो रही थी डेरेक ओ ब्रायन कह रहे थे कि आप ये सब इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके पास कोई बेस नहीं है वेस्ट बंगाल में अभी भी आप तृणमूल से लोगों को ला रहे हैं लेकिन वो तृणमूल के जो इंपोर्ट हैं वो अपने सीट नहीं जीत पाएंगे डेरेक ओब्रायन कह रहे हैं कि अगर सुबेंदु अधिकारी अपना सीट जीत जाते हैं तो डेरेक ओ ब्रायन राज्यसभा से रिजाइन कर देंगे क्या फर्क पड़ जाएगा डेरेक डायरेक ब्रायन अगर जाइंदी भी छोड़ दे देश को क्या नुकसान हो जाएगा क्या दिया देश को उन्होंने ऐसे लोग तो यहां की बोझ है मैं आपको चैलेंज करता हूं डायरेक ओब्राहन को बोलिए कि उनका बेस उनको ढूंढने बोलिए बंगाल में बेस नहीं है आज भाजपा जीतने के कागर कारगर में है टीएमसी को हरा सकता है इसीलिए लोग हमारे साथ आ हैं हमको किसी को जरूरत नहीं है हम किसी को पुलिस से डंडा मार के नहीं ला रहे हैं ममता बनर्जी को पूछिए एसपी यहाँ की एमएलए को फोन करता है कि आप टीएमसी ज्वाइन करो या तो एनडीपीएस के एच सी का आपको अंदर कर देंगे तब वो अगर मैं चाहे तो रोकआउट करके कांग्रेस एमएलए का आपको भर्सन भेज सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी की किसी की जरूरत नहीं है। आज हमारी पार्टी जब दो एमपी थी तीन एमपी रिजाइन करके आए थे हमारे पार्टी में लोकसभा के पहले नहीं नहीं बट एमपी तो और एमएलए की पार्टी थे नहीं नहीं बट एक सेकंड आप कह रहे हैं कि लोग खुद आ रहे हैं आप डंडा मार के नहीं ला रहे हैं लेकिन आप यही तो लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं आप कह रहे हैं कि तृणमूल करप्ट है तृणमूल ये है वो है लेकिन आप तृणमूल के लोगों को इतना भारी बहुमत में क्यों ले रहे हैं फिर अगर तृणमूल इतनी भ्रष्ट और खराब पार्टी है जो लोग तो आपको तो मना करना चाहिए अगर लोग आ भी रहे हैं तो आप कहिए नहीं हम नहीं ले रहे हैं आपको नहीं पार्टी नहीं है वो तो एक प्रॉपर्टी है किसी का व्यक्तिगत एक कंपनी है उसमें किसी का नहीं चलता है यहां हमारे मजे मजेक से लोग बोलते हैं एक ही पोस्ट है बाकी सब पोस्ट है तो पोस्ट तो आज उखड़ गया है सारा इसलिए तो हमने हमने लड़ाई करके परिवर्तन किया है नहीं नहीं बट वही जो लोग जिनको आपको आप भ्रष्ट कहते हैं आप उन्हें यही कहते हैं वो कहते हैं वो जब बीजेपी में आ जाते हैं तो वो सही हो जाते हैं तो वही तो कह रहे हैं वो कहा जा रहा है कि बीजेपी का एक वॉशिंग मशीन सर्विस है सोनिया सुनिए हर पार्टी में हर प्रकार के लोग रहते हैं कांग्रेस से सैकड़ों लोग हमारे साथ आए हैं आप हमारे नेतृत्व तो कर रहे हैं सरकार को सफलतापूर्वक चला रहे हैं अलग अलग राज्यों में हमने लिया है उस पार्टी में एक कल्चर बर, रहती है बट उससे तो आप मजबूर रहते हैं आज हमने विकल्प दिया तो हमारे साथ आ रहे हैं लोग बट उससे आपको प्रॉब्लम नहीं हो रहा है क्योंकि अभी आपकी के नेता कैलाश विजयवर्गीय जी ने कहा था कि अब हम किसी को भी ऐसे नहीं है कि हम ले लेंगे हम पहले स्क्रीन करेंगे फिर लेंगे वो बात सही है पहले भी रहा आगे भी करेंगे कोई भी आएगा ले लेंगे ऐसा नहीं है अच्छा। और इसको पचाते हुए हम आगे बढ़े हैं और ये हमारी एक परंपरा रही है हर प्रदेश में देखिए दूसरे पार्टी के काबिल लोगों को हमने लिया है उनको नेता बनाया है उसको चीफ मिनिस्टर बनाया है। उसको सेंट्रल मिनिस्टर बनाया है और सफलता काम कर रही है ये दिलीप जी आप स्क्रीन करके लेते हैं मुकुल रॉय के खिलाफ केसेस नहीं थे जब आपने लिया सुबेन्दु अधिकारी के खिलाफ केसेस नहीं है सुनिए मेरे खिलाफ 40 केसेस हैं तो मैं अपराधी हूं एंटी सोशल हूं राजनीति में बहुत सारा केसेस होता है और उसकी जिम्मेदारी उनकी होती है जिनके ऊपर केस काल अगर अदालत राय देती है उनको दोषी साबित करता है उसकी जिम्मेदारी उनकी आ, रहेगी आप ही के साथ आप ही तो अभी कहा हम स्क्रीन करके लेते हैं अब आप कह रहे हैं कि जो जिनके खिलाफ जो अपराध है केसेस है वो उन्हीं की जिम्मेदारी है तो फिर स्क्रीनिंग का एनी वे कम है मुझे बताइए कि ओवरऑल आप कह रहे हैं किस को मना नहीं कर सकते हम हम्म लोकतंत्र में हमको सबको लेना है और उनको समाज को जवाब देना है हमें नहीं है बट इससे आप ही के कार्डर में आप ही के लोगों में आक्रोश है नाराजगी है बीजेपी के लोग बिल्कुल है पार्टी में ज्यादा लोग आते हैं तो उनको कई बार समस्या होती है चिंता होती है लेकिन पार्टी इतनी बड़ी है इतनी जगह है सबकी व्यवस्था यहाँ अकोमोडेशन हो जाएगी और इसी, इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी पूरा देश में फैला है अच्छा सफलतापूर्वक राज कर रहा है आगे बढ़ रहा है विकास कर रहा है यहाँ भी बंगाल भी उसका अलग नहीं होगा यहाँ भी उसी प्रकार से आगे बढ़ेगा सबको समेटते हुए हम आगे बढ़ेंगे बंगाल का विकास करेंगे ओके चलिए थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर टॉकिंग टू आर धन्यवाद थैंक यू सो मच